हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हम लेके आए हैं मार्केट के स्टाइल में रबड़ी मलाईदार कुल्फ़ी। ठीक है फ्रेंड्स, आज इसे हम बनाएंगे इस तरह से मार्केट स्टाइल में। इसको ग्लास में बनाएंगे, मटके में बना सकते हो आप, किसी में बना सकते हो। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही आसान रेसिपी है। ये देखिए, आप इसे ज़रूर बनाइए एक बार। ये देखिए, चार ब्रेड लिए हैं मैंने, आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ना ले हैं आप। मैं इसका साइड के कॉर्नर निकाल दिए हैं, इसको हम साइड में रख देंगे इस तरह से पीस करके। उसके बाद हम लेंगे एक मिक्सी का जार, देखिए उसमें मैं डालूँगी 8 से 10 पिस्ता, 8 से 10 काजू और 8 से 10 इसमें बादाम डालूँगी। काजू डाल दिए हमने और इसमें डालेंगे 4 से 5 इलायची और उसके बाद इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी चीनी। मीठे में चीनी कम हो जाती है इसलिए थोड़ी चीनी ज़्यादा डालें इस तरह से आप। मैंने बड़े चम्मच 6 से 7 लिए हैं इसमें और थोड़े से इसमें डालूँगी केसर के धागे। ये देखिए इस तरह से, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, फ्लेवर आएगा। अब हमें क्या करना है, इसको पीस लेना है। ये देखिएगा, मैंने इसको पीस लिया है, इसका फाइन सा पाउडर बना लिया है इस तरह से। अब हमने जो ब्रेड साइड में रखी थी उसको हम ले लेंगे, इसमें डाल देंगे मिक्सी के जार में। अब इसको भी हम इसमें पीस लेंगे, इसका भी पाउडर बना लेंगे हम अच्छे से। ये देखिए, हमने इसका पाउडर बना लिया, आप चाहते हैं इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये देखिए, जब आपका मन हो तब आप इसे बनाइएगा। ये देखिए, मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, देख सकते हो, और एक पार्ट दिया है मैंने। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें दूध डालेंगे ठंडा। ये देखिए, उबला हुआ दूध है, ठंडा दूध। इसमें मैंने 1/2 गिलास दूध डाला है और इसे हम मिक्सी चला देंगे दोबारा से। ये देखिए, मैंने मिक्सी चला ली है। अब जो हमारा दोबारा बचा था, जो हमने अलग किया था, वो भी इसमें हम डाल देंगे और थोड़ा सा दूध डाल देंगे और इसको भी हम पीस लेंगे। अब फिर हम एक खाली जार लेंगे, देखिए उसी में ले लीजिए, वॉश करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, 1 कटोरी मैंने इसमें ली है मलाई, उसके बाद इसमें डाला है 1/2 गिलास दूध। अब इसको भी हम पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे पीस लिया है, एक बॉयल में इसे शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से सारा का सारा इसमें शिफ्ट कर दिया है मैंने। देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना, बिल्कुल खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी ये। एक बार इसे आप लोग ज़रूर बनाइएगा, देखिएगा इस तरह से मेरा 1 कटोरा भर चुका है। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप एक से बार ज़रूर बनाइएगा इसे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखिए इस तरह से मैंने एक ग्लास लिए हैं, कटोरी ग्लास या कुछ भी ले सकते हो, किसी में भी जमा सकते हो, प्लास्टिक पेपर भी ले सकते हो, जिसमें आप जमाना चाहो, जो मिलते हैं मार्केट में। मैंने ये लिए हैं इस तरह से ग्लास, आप देख सकते हो, लस्सी ग्लास। इसमें हम इसमें डाल देंगे इस तरह से, सारे गिलास को इसे हम ऊपर तक भर देंगे। गर्मियाँ शुरू हो गई तो गर्मी में ठंडी ठंडी चीज़ ज़रूर बनाइएगा, ये बस सबको बहुत पसंद आने वाली है, आप एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ऊपर से हम इसे पिस्ते डालेंगे थोड़े से, इसे गार्लिक करेंगे, डेकोरेट करेंगे इसे हम थोड़ा सा इस तरह से पिस्ता लगा के। ये देखिएगा, पिस्ता लगाने के बाद थोड़े से इसमें काजू डाल देंगे और थोड़े से बारीक कटे हुए इसमें बादाम डाल देंगे इस तरह से। इस तरह से इसको पूरा भर देंगे हम, और उसके बाद ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी, इसलिए इस तरह से हम इसे पूरा का पूरा भर देंगे, अच्छे से इसे कवर कर देंगे। ये देखिए, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम इसमें लगाएंगे ऊपर थोड़े से केसर के कुछ धागे। देखिए आप चाहे तो लगाइए, वरना नहीं लगाइए कोई बात नहीं। देखिए इसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है, इसे हर कोई बना सकते हैं आप। इसे मैंने आपको बताया ना, सूखा आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो, आपका जब मन करे तब आप इसे बनाइएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा अब हम क्या करेंगे, इस तरह का एल्यूमिनियम फॉइल लिया है मैंने और इस तरह से एक ग्लास को उठाएँगे हम इस तरह से, और देखिए इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसे कवर कर दिया, ऐसे ही हम अपने सारे के सारे को कवर कर लेंगे अच्छे से। देखिए इसी तरह से आपको सारे कवर कर लेना है।
ये देखिए मैंने सारे कवर करके दिखा रही हूँ आपको। देखिए मेरे सारे कवर हो चुके हैं। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे 6 से 7 घंटे के लिए, फिर मिलते हैं हम उसके बाद। ये देखिए 6 से 7 घंटे हो चुके हैं, ये अच्छे से देखिए जम चुकी है। फ्रीजर में रखे थे मैंने इसे और ये देखिए बन के तैयार हो गई है। आज की देखने में लग रही ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, यम्मी, ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा एक बार, ठीक। और ये देखिए मैं दिखाती हूँ पास से, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है और बहुत ही अच्छी बनी है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा मेरी वीडियो देखने। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।